अस्सलाम वालेकुम, आई एम फैसर, योर इंग्लिश टीचर। टुडे आज हम जो बात करेंगे वो शीमा सिनी की बहुत ही फेमस पोइम द टॉलर मैन की। जैसे कि आपको पता है कि टॉलर मैन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये थोड़ी लेंथी पोइम है, तो आज हम इसका सिर्फ एक पार्ट करेंगे और अपने अगले लेक्चर्स में पार्ट टू और पार्ट थ्री को करेंगे। The Tallon Man is inspired by the seal body of the prehistoric man discovered in a bog in Denmark. It is said that the man was put to death as a part of sacrificial rite. In past, it was believed that by doing so, fertility of the crops could be improved. The poem apparently is about custom and rules which were being followed in the Iron Age, but critically analysis of the Tallon Man transpires that it is symbolizes the history of Ireland. Seamus Heaney illustrate that it is routine matter of the Irishman to undergo oppression in Northern Ireland, and it is habitual for them to sacrifice their lives so as to save the lives of the other fellow men. So ab hum iska brief review karte hain. The Tallon Man by Seamus Heaney was published in his collection Wintering Out. It is a three-part poem divided in a total 11 stanza, all of which contain four lines. Heaney did not choose to give this poem a specific rhyme scheme, but the lines are full similar length. Asal mein kya hota hai? कि इसकी अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाकर देखते हैं कि 6 मई 1950 को डेनमार्क का एक कस्बा है, एक शहर है सल्कबर्ग से 10 किलोमीटर मगरब की जानब हेल्ड स्कूल पीटबोग में टोलन के छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले दो भाई अपने किचन के लिए और अपने किचन के चूल्हे के लिए पीट काट रहे थे। जब दोनों भाइयों ने काम किया, अचानक पीट की करत परत में उन्हें एक ऐसा चेहरा दिखाई दिया जो कि बहुत ताजा था। वो ये समझ सकते हैं कि वो जो चेहरा इन्होंने देखा है वो अभी ताजा ही था। और क्या होता है कि उन्होंने जब उस चेहरे को देखा, वो समझ गए कि वो किसी हालिया जो कत्ल है वो उसका कुछ ना कुछ यहां पर आसार है। उन्होंने फौरी तौर पर सल्कबर्ग में पुलिस को इतला दी। टॉलन मैन मजबूत जमीन से 50 मीटर दूर पड़ा हुआ था, उसका जिस्म नेकदा हालत में था और उसने तकरीबन 2 मीटर पीठ के नीचे वो दफन हुआ था। इसने अपने सर पर जिल्द की नुकीली टोपी पहने हुए इसकी थोड़ी के नीचे यानी अपनी थोड़ी के नीचे मजबूत तरीके से जकड़े हुई थी। और जो टॉलन मैन है उसकी कमर के चारों तरफ एक हमवार और मुखफी बेल्ट था, वो नेकड था। उसके बाल इतने छोटे कटे हुए थे कि वो उसकी टोपी के जरिए ये मुकम्मल तौर पर वो पोशीदा थे। वो तकरीबन साफ सुथरा था। उसके सर के पास पीठ के एक छोटी सी गांठ के नीचे दो चमड़े की अंगूठी से बनी एक रस्सी थी। ये इसकी गले और गले में मजबूती से उसको डालकर खींचा गया था। फिर उसके कंधे पर और उसकी पीठ के नीचे सांप की तरह जड़ा हुआ था वो जो उन्होंने नाट की हुई थी। जिसम के नीचे काई की एक पतली परत थी। साइंसदानों को मालूम हुआ कि यह काई आयरन दौर के इब्तदाई दौर में डेशबेट बोगस में तश्कील दी गई थी, लिहाजा डाउट है कि तकरीबन 2200 साल कबल आयरन एज की इब्तदाई दौर में इस लाश को बोग में रखा गया था। इसके बाद टॉलन मैन के बालों से 14 रेडियो कार्बन डेंटिंग इस बात का इशारा किया कि इसकी मौत तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 3500 कबल मसीह में हुई। पेट में मौजूद तेजाब सतह के नीचे ऑक्सीजन की कमी के साथ इसके जिस्म के नर्मोतकू को महफूज रखा हुआ था। और अगर हम इसके मायने और एक्सरे से हमें इसका पता चलता है कि इस शख्स का सर गैर मजाज था और इसका दिल, फेफड़ों और जिगर को अच्छी तरह से महफूज किया गया। वो बूढ़ा आदमी नहीं था, अगरचे इसकी उम्र 20 साल से ज्यादा थी क्योंकि इसके दांत बढ़ चुके थे। सल्कबर्ग म्यूजियम ने इसकी उम्र 40 और ऊंचाई 160 सेंटीमीटर बताई है। यहां तक इसके मुकाबले में निस्बतन शॉर्ट कुछ कहता है कि कम भी है। अगर हम ज्यादा अमकान की बात करें तो यह समझा जा सकता है कि टॉलन मैन एक अमीर आदमी था जिसे बाकायदगी से कुर्बानी दी गई थी, लेकिन हालिया तजिए से पता चलता है कि वो महज एक मुजरम था जिसको फांसी देकर
पेट के झुंड में दफन कर दिया गया था। डेड बॉडी को फिलहाल डेनमार्क के सल्सबर्ग म्यूजियम में रखा गया है। इन दिस लेक्चर वी शैल एक्सप्लेन ओनली फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोइम एंड इन अवर नेक्स्ट लेक्चर यू विल सी एंड यू कैन गेट अवर पार्ट टू एंड थ्री लेक्चर्स। सो अब हम इसकी ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोइम की। टॉलन मैन फर्स्ट पार्ट की मैं करने लगा हूं। पहला स्टैंजा है, सम डे आई विल गो टू अरहस टू सी हिज पीट ब्राउन हेड द माइल्ड पोर्स ऑफ हिज आई लिड्स हिज पॉइंटेड स्किन कैप। किसी रोज मैं अरहस अजायब घर जाऊंगा उसका ब्राउन सर खोपड़ी देखने के लिए, फली की तरह उभरी हुई इसकी आंख की पुतलियां और उसकी तकोन नमा टोपी देखूंगा। अब हम इसका ओवरव्यू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टैंजा करते हैं। फर्स्ट पार्ट डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द टॉलन मैन। ओवरव्यू ऑफ स्टैंजा, क्वाट्रेन स्टैंजा है, फ्री वर्स है, लैंग्वेज इसकी बहुत सिंपल और क्लिकुल है, सौसरे का इस्तेमाल है, सम टाइम राइम सम टाइम नॉट, फर्स्ट पर्सन नरेटर है, ओमनीप्रेजेंट नरेटर है, कंपाउंड वर्ड यूज करता है जब वो पीट ब्राउन हेड माइल्ड पोर्स आई लिड्स एट्रासरा ये अल्फाज इस्तेमाल करता है। एलिट्रेशन की अगर बात करें तो यूज ऑफ पी इन लास्ट थ्री लाइंस पीट पोर्स पॉइंटेड कैप यानी पीपी की एलिट्रेशन हमें यहां पर दिखाई देती है। विजुअल इमेजर की बात करें जब वो पॉइंटेड स्किन ब्राउन हेड यानी ब्राउन हेड कलर का इस्तेमाल करता है, द माइल्ड पोर्स ऑफ हिज आई लिड उसका इस्तेमाल करता है, मेटाफर द माइल्ड पोर्स ऑफ हिज आई लिड यानी ये उसने एक मेटाफर इस्तेमाल किया है। सिंबल की बात करें तो जो डेड बॉडी है वो टॉलन मैन की वो सेक्रीफाइड को शो करती है मिथ और उसी के साथ अगर हम इसकी थीम की बात करें तो इसमें हमें थीम डेथ की मिथ दिखाई देती है, उसके अलावा डिस्पेयर की थीम दिखाई देती है, कोलोनाइज्ड की, इंपीरियलिज्म की, वार की, आयरन एज की सबसे बड़ी इसकी थीम हमें दिखाई देती है। स्टैंजा टू में कहता है, इन द फ्लैट कंट्री नियर बाय वेयर दे डग हिम आउट His last gruel of winter seeds caked in his stomach. मैदानी इलाके में करीब ही जहां उन्होंने यानी जो माहिरीन अर्ज़ है खुदाई करने वाले ने उसके ढांचे को खोद निकाला और मौसम खजा का आखिरी खाना यानी जो वो लास्ट gruel of winter seeds मौसम खजा का आखिरी खाना उसके मेहदे में अब भी महफूज था। ओवरव्यू करते हैं पार्ट वन का, जो इसका ओवरव्यू उसमें क्या है कि क्वाट्रेन पार्ट वन डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द टॉलन मैन। क्वाट्रेन स्टैंजा है, फ्री वर्ड्स है, लैंग्वेज सिंपल और कोलोक्वियल है, सौसर का इस्तेमाल है, सम टाइम राइम सम टाइम नॉट है, फर्स्ट पर्सन नरेटर है, ओमनीप्रेजेंट नरेटर है, कंपाउंड वर्ड्स विंटर सीड्स अल्फाज जो है वो कंपाउंड वर्ड है, विजुअल एंड गेस्टेटरी इमेजरी विंटर सीड्स और केक्ड इन स्टॉमिक यहां पर हमें गेस्टेटरी में दिखाई देते हैं। अगर हम सिंबल की बात करें तो सिंबल में विंटर सीड्स डेथ केक्ड इन स्टॉमिक लास्ट फूड यानी पीरियड ऑफ उसका डेथ थीम डेथ मिथ डिस्पेयर कोलोनाइज्ड इंपीरियलिज्म वार सैक्रिफाइड और आयरन एज यहां पर हमें इसकी थीम दिखाई देती है। स्टैंजा थ्री में कहता है नेक्ड एक्सेप्ट फॉर द कैप नूज एंड गिर्डल आई विल स्टैंड अ लॉन्ग टाइम ब्राइड ग्रूम टू द गुडेस। वो बरहन्ना था यानी सवाए उस टोपी फुंदे और बेल्ट के मैं वहां तवील वक्त के लिए खड़ा रहूंगा धरती की देवी देवी की दुल्हा की ताजीम के लिए। पार्ट वन स्टैंजा, पार्ट वन डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द टॉलर मैन। जैसे आपको पता है कि पार्ट वन जो इसको बता रहा है वही क्वाट्रेन स्टैंजा है, फ्री वर्ड्स का इस्तेमाल है, लैंग्वेज की सिंपल है और कोलोक्वियल है, सौजर का इस्तेमाल है, सम टाइम राइम है सम टाइम नॉट है, नरेटर इसका फर्स्ट पर्सन और ओमनीप्रेजेंट नरेटर है, कंपाउंड वर्ड ब्राइड ग्रूम्स है, ऑक्सीमोरन इसमें ब्राइड ग्रूम यानी ब्राइड और ग्रूम दोनों उन चीजों को दिखाया गया, विजुअल इमेजरी द कैप नूज गिर्डल स्ट्रैंगुलेशन और हैंग्ड विजुअल इमेजरी है, सिंपल एक्सेप्ट फॉर यानी द कैप कैप ऑफ शीप स्किन द कैप नूज गिर्डल स्ट्रैंगुलेशन और हैंग के सिंपल है, ब्राइड ग्रूम टू द गुडेस इट इंडिकेट सेक्रीफाइंग लाइफ ऑफ नर्थस नर्थस गुडेस एसोसिएटेड विद फर्टिलिटी यानी नर्थस जो उसकी जरखेजी की जो गोडिस है उसकी थीम यहां पर हमें दिखाई दे रही है, डेथ मिथ ग्रीक मिथोलॉजी डिस्पेयर कोलोनाइज्ड इंपीरियलिज्म वार आयरन एज। अब स्टैंजा फोर है, शी टाइटन्ड हर टॉक ऑन हिम एंड ओपन्ड हर फैन दोज डार्क जूसेस वर्किंग
him to a saint's kept body. तो अब हम इसका तर्जमा करते हैं, तो तर्जमे वो कहती है, ये जो शिमसनी है वो कहता है कि she tightened, यानी वो धरती की देवी उन पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेती है और अपना सीना खोल देती है, और टोलनमैन तारीकी में बहा हुआ खून वो जो पसीने के काम आता है, यानी जमीन को जरखेज कर देता है, और आज इसको एक मसीह की तरह महफूज कर लिया गया है. पार्ट वन स्टैंजा फोर. पार्ट वन डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द टोलनमैन. ओवरव्यू में इसमें क्वाट्रेन स्टैंजा है, फ्री वर्स है, लैंग्वेज बहुत सिंपल और कुलिक्वल है, सॉफ्ट का इस्तेमाल है, सम टाइम राइम सम टाइम नॉट है, नरेटर फर्स्ट पर्सन और ओमनी प्रेजेंट नरेटर, एंड कंपाउंड डार्क जूसेस, कंपाउंड वर्ड अलिटरेशन यूज ऑफ पी इन जो इसके वो इसमें है उसका आ जाता है. सॉरी, विजुअल इमेजरी, पॉइंटेड स्किन कैप, ब्राउन हेयर, यानी यूज ऑफ कलर द माइल, और इसी तरह कहता है कि ये चलता रहता है. और मेटाफर में goddess used the dark juices of the marsh to preserve his body. He compared this preservation to way in which saint body parts are preserved throughout the world and commonly kept with the reliquaries. Symbol dark juices जो है वो symbol है blood for Catholic brothers, और इसी के साथ ये symbol sectarian violence का है. A saint kept body, यानी ये क्राइस्ट का सिंबल है. Opened her friend dark juices, tattered her toe, ये सिंबलाइज करते हैं यानी सेक्सुअल amalgamation को भी. थीम इसमें वही डेथ मिथ डिस्पेयर कॉलोनाइज्ड इंपीरियलिज्म वार कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट सेक्टेरियन वायलेंस कल्चर वायलेंस कस्टम इग्नोरेंस की थीम साथ साथ चलती आ रही है. Stanza 5 है, कहता है कि ट्रूफ ऑफ द टर्फ कटर्स, ट्रूफ ऑफ द टर्फ कटर्स Honeycombed working, now his stained face reposes at Arhas. जमीन की खुदाई करके खजाना तलाश करने वालों ने जमीन में अपने सुराख किए, ये शहद के छत्ते की मानद लगने लगे. अब इस टोलनमैन का दागदार चेहरा और अरहस के अजायब घर में महफूज पड़ा है. पार्ट वन है, अब इसका स्टैंजा फाइव, इसकी अब हम ओवरव्यू करते हैं. वही क्वाट्रेन स्टैंजा है, फ्री वर्स है, लैंग्वेज इसकी बहुत सिंपल और कोलिक्वल है, सौजर का इस्तेमाल है, सम टाइम राइम सम टाइम नॉट है, और फर्स्ट पर्सन नरेटर ओमनीप्रेजेंट नरेटर है, कंपाउंड वर्ड्स टर्फ कटर्स हनी कम्ड, और इसी के साथ एलिट्रेशन अगर कहें ट्रफ ऑफ टर्फ कटर टीटी की एलिट्रेशन है, और मेटाफर इसमें क्या है, ट्रू ऑफ द टर्फ कटर्स हनी कम्ड वर्किंग, यानी ये इसने उस चीज को मेटाफर किया है. सिंबल इसमें स्टेन्ड फेस यानी वायलेंस की सिंबल है. थीम इसमें डेथ है, मिथ है, डिस्पेयर है, कॉलोनाइज्ड एम्पीरियलिज्म है, वार कैथोलिक, और बाकी आपको यहां पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे. पार्ट टू स्टैंजा, अब इसका पार्ट टू का फर्स्ट स्टैंजा आ गया है, वो अब हम कर लेते हैं, बाकी पोइम कल करेंगे इंशाल्लाह. तो कहता है कि आई कुड रिस्क ब्लास्फेमी, कंसक्रेट द कॉल्ड्रन बॉग और होली ग्राउंड एंड प्रे हिम टू मेक जर्मिनेट. मैंने तोहीन अमेजी का खतरा मोल ले लिया है, इस प्याला नमा दलदली जमीन को तकद्दस देकर, इसे अपनी मुकद्दस जमीन पुकार कर और यहां दुआ मांगकर कि मसीहा की शहादत जला बख्शने की बाइस है. जो पार्ट टू है उसमें वो बयान करता है आयरलैंड की कंडीशन को. अगर हम ओवरव्यू स्टैंजा करें, क्वाट्रेन स्टैंजा है, फ्री वर्स है, लैंग्वेज इसकी बहुत सिंपल और क्लिकुल है, सौजर का इस्तेमाल है, सम टाइम राइम सम टाइम नॉट है, फर्स्ट पर्सन नरेटर है, कंपाउंड वर्ड कॉल्ड्रन बॉग, कॉल्ड्रन बॉग इसमें कंपाउंड वर्ड है. सिंपल कहता है आई कुड ब्लास्फेमी. सो इसमें ये सेक्टेरियन का सिंबल है. थीम इसमें डेथ है, मिथ है, डिस्पेयर है, कॉलोनाइज्ड एम्पीरियलिज्म है, वार है, रिलीजन है, और बाकी आपको यहां पर दिखाई दे रही है. सो अब हम इसका जरा जो हमने पार्ट वन पढ़ा है उसका क्रिटिकल एवेल्यूएशन ऑफ द पार्ट वन करते हैं. पोइम के आगाज पर टोलनमैन के जिस्म की तफसील बयान करता है और अरहस देखने की ख्वाहिश करता है, और उसी के साथ साथ कहता है कि वो उसे देख सके. किसी दिन मैं अरहस जाऊंगा. शिमसिनिस ने टॉलन इंसान के हिकल यानी आसार से मिलने का अजम किया है, क्योंकि इसने मजहबी अकीदत का गहरा एहसास पैदा किया है. पोइट को उम्मीद है कि वो आगे जाकर वहां पर तशरीफ लेके जाएगा, लेकिन अभी तक कशीदा माहौल से ऐसा लगता है कि वो कोई डेस्पिरेट है. इसी के साथ साथ एक्चुअली ही ऑल्सो गिव्स मिन्यूट डिटेल्स ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी पीट ब्राउन हेड, माइल्ड पोर्स ऑफ हिज आई लिड एंड पॉइंटेड स्किन कैप बिसाइड इमेजरी हैज स्किलफुली बीन.
एंड क्रिएटेड बाय द पोएट ब्राइडग्रूम टू द गॉडेस कैन बी रेफर्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज ऑल्सो सिंबोलिक इट इंडिकेट सेक्रीफाइंग लाइव्स फॉर नेथस गॉडेस एसोसिएटेड विद द फर्टिलिटी ओपन हर फिन डार्क जूसिस टाइटन्ड हर टोर सिंबलाइजेस एज बिजार टाइप ऑफ सेक्सुअल amalgamation in his imagination in viewers in this regard in this upcoming lines Heaney compares tallened man with the saint as his body is in corrupt the tallened man successfully accepted the death with the hope that it would be beneficial for his fellow man he died while expecting the crops would grow and his death would be fruitful for the people of the society poem ka tanqeedi tajziya karne ke baad क्राइटिक्स को द टॉलन मैन और आयरिश मैन में एक रिजेंबलनेस मिलती है टॉलन जो शख्स है उसने अपने लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी वो उन्हें भूख से बचाना चाहता था वो उनके लिए मर गया ताकि कोई भूख से ना मर सके और आयरिश मैन भी और जो आयरिशीन भी है वो भी यही काम कर रहे हैं वो अपने हम वतनों के लिए जान कुर्बान कर रहे हैं वो अपने हम वतनों के लिए जान की कुर्बानी कर रहे हैं अगरचे वो भूख से बचने के लिए ये काम वो नहीं कर रहे हैं Actually, the Tallened Man also symbolized devoutness. The tune of the poet indicates the helplessness of the man in the front of the gods. In order to gain favors of gods, people are compelled to perform these kind of the rituals. The Tallened Man may be a martyr for many people, but Heaney's point of view is different from a move. According to him, he is neither a hero nor a martyr. Murder, but just a victim. It was believed that each winter the goddess wanted sacrifice of new bridegroom to certify the fertility of the crops in the next spring season. The poet is against such like principle. He liked peace, but not that which comes just to sacrifice the innocent human beings in front of gods. In other words, he is against violence. He compares the old man. Killing pirshes of the Jutland with his own land although that incident of taller man belongs to the iron age yet it symbolized the event when Christ was crucified he died for the welfare of humanity as the taller man did it further symbolizes the struggle of Irish people who lost their life for the future and welfare of their children The sacrifice of Irishmen are still fresh in the mind of the Seamus Heaney as he was Irish, not British. He once wrote, Be advised, my passport's green, nas, no glass of ours was ever been. So in this poem, the writer briefly described about the poem, The Tallened Man. And actually, the writer says, in somehow, there is a strong bond between Heaney and the taller man. Nevertheless, the poet shares griefs and sorrows of Irish widows and children, and he tries to explain it through this poem by using the technique of symbolism. So in this regard, the poem is highly symbolic. I hope ke aap logo ko पार्ट वन का स्टैंजा समझ में आ चुका होगा और इसका क्रिटिकल रिव्यू भी आपको समझ में आ चुका होगा अगर आप लोगों को ये पोइम समझ में नहीं आई या मेरी पिछली कोई भी आपको पोइम में किसी किस्म की परेशानी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और आज ही के इस मुख्तसर सी पोइम यानी जो एक पार्ट है और अगले हमारे पार्ट वन और पार्ट टू की लेक्चर जो सीरीज़ है वो स्टार्ट है आप ज़रूर उन लेक्चर को देखेगा और इसी के साथ अपने टीचर मोहम्मद फैसल को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़